नमस्कार साथियों, आपका लवली पाल किचन क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मैदे के मीठे पारे। मैंने आधा किलो मैदा लिया है। अब मैं मैदे को एक बड़े बर्तन में लूंगी। मैं इसमें आधी कटोरी 4 से 5 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी, जिससे क्या होता है कि जो पारे होंगे वो कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, अच्छे हाथों की मदद से अच्छे से तेल को मैदे में मिक्स कर लेंगे। मैंने मैदे को दूध में मैंने चीनी को पिसी हुई चीनी ऐड कर दी थी। दूध से मैं गूंथूंगी, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही सॉफ्ट भी बनते हैं, मुलायम बहुत रहते हैं। ये देखिए, मैं मैदे को गूंथ लूंगी। मैदे को अच्छे से गूंथ के इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के या पन्नी के अंदर करके, उससे क्या होता है मैदा बिल्कुल मुलायम बना रहता है। ये देखिए, मैं इसको ढक के रख दूंगी। अब मैं 2 कटोरी चीनी लूंगी, फिर मैं इसमें पानी को ऐड करूंगी। अब चीनी का जो जलाव है वो मैं गैस को ऑन करके रख दूंगी। इसमें 4 इलायची, हरी इलायची को ऐड कर दूंगी, उससे क्या होता है महक बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए, मैंने 2 कटोरी चीनी ऐड कर दी। अब 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे इसमें। एक ग्लास पानी ऐड कर दिया, इसमें इलायची ऐड कर देंगे। इसको धीरे धीरे पकने देंगे, जब इसका जलाव जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, जलाव पक रहा है। इसको बीच में चलाते भी रहना है। जलाव एक साइड पक रहा है। अब मैं क्या करूंगी, जो मैदा मैंने गूंथ के रखा हुआ था डो बना के, उसकी बड़ी बड़ी 4 लोई बना लूंगी। इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। इसको पतला नहीं बेलना है, मोटा ही रखना है, क्योंकि मीठे पारे बनाने हैं तो थोड़े मोटे होने चाहिए। ये देखिए, अब इसको धीरे धीरे बेलना स्टार्ट करेंगे। चारों तरफ से एक ही साइज के होने चाहिए। अब इसको धीरे धीरे आपको जिस साइज में कट करना है, आपको अगर क्यूब शेप में कट करना है या लंबा जैसा भी शेप चाहिए, आप उसी शेप में इसको कट करें। ये देखिए, अब इसको कट कर लेंगे। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसकी थिकनेस देखिए, इसको इतना मोटा ही रखना है ताकि यह अच्छा लगे। अगर पतला रखेंगे तो यह गल जाएगा उसमें जलाव में। सारे पारे कट करके, बेल के सारे पारे कट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको इसकी थिकनेस का ध्यान रखना है कि कितना मोटा रखना है, और मोवन मैदा गूंथते समय मोवन का ध्यान रखना है। ये देखिए, सारे पारे मैंने बेल के काट लिए हैं। अब मैं कढ़ाई रखूंगी। कढ़ाई में रिफाइंड तेल डालूंगी। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें धीरे धीरे पारों को डालना स्टार्ट करेंगे। इसको लो फ्लेम में पकाना है, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे, और इसकी हाई फ्लेम रखेंगे तो ऊपर ऊपर पक जाएंगे, बट नीचे क्या होता है कि बीच में कच्चे रहते हैं, फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। एक साइड देखिए, चीनी का घोल जो है वो पक रहा है। ये देखिए, इसको पलटा लेंगे, दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, हल्का ब्राउन हो चुके हैं। तब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। सारे पारों को इसी तरीके से पका लेना है। ये देखिए, प्लेट में निकाल लिया है। निकालने के बाद में ये देखिए, चीनी का जो घोल था, इसकी थिकनेस देखिए,
जब हाथ में आप एक बार चेक करके देखिएगा, इसमें सारे पारों को डाल देंगे, फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया क्योंकि मेरा ज्यादा जलाव जो है ज्यादा थिक हो गया था। इसमें पानी ऐड करके ऐसे पका लेंगे, ऐसे क्या होता है कि अंदर तक पूरा पक जाता है। पकाने के बाद में इसको ठंडा होने के लिए एक थाली में डाल देंगे। ये देखिए मैंने थाली में डाल दिया है। थाली में डालने के बाद में अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए पारो की रंगत देखिए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग भी इसी तरीके ट्राई कीजिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।